हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम कृषि चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं केवल एक ही शेयर के बारे में। ऑब्वियसली टेक कंपनी ये हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। टेक्नोलॉजी वाली कंपनी आप सभी लोगों को पता ही है, बीच में अच्छे खासे हम लोग को उनमें गिरावट होती हुई देखने को मिली थी एंड उसके बाद कुछ समय के बाद अच्छे खासे रिकवरी भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। सो फिलहाल की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है क्वार्टर फोर का सीज़न स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है। ऑब्वियसली जो उसकी जो फील रहेगी वो हम लोग को फ्राइडे के दिन के ओर से देखने को मिलेगी, जब TCS अपने नंबर यहाँ पे दिखाएगा एंड उसके बाद बड़े बड़े कंपनी के नंबर हम लोग को देखने को मिलने वाले। बट फिलहाल क्या चल रहा है, यस ट्रेलर लॉन्च होते हुए देखने को मिल रहे हैं। ट्रेलर बोल सकते हो, अपडेट बोल सकते हो, एक्सट्रैक्टेड क्वार्टर फोर के नंबर्स आप चाहो तो बोल सकते हो। तो हर कंपनी अपने अपने यहाँ पे नंबर्स यहाँ पे बताने की कोशिश कर रही है कि कितनी कमाई उन्होंने यहाँ पे की करके। फुल फ्लेजेड नंबर तो बाद में ही आएंगे, ठीक है, अभी वही उसी को तो हम लोग क्वार्टर फोर बोलते हैं। बट इस प्रकार से जो ट्रेलर्स है इस चीज़ के चलते काफ़ी सारे मतलब जो कंपनी है उनमें बड़ा दाव भी यहाँ पे यूजुअली लगाया जाता है और ऐसी कुछ घटनाएं आज के दिन भी हम लोग को एक कंपनी से रिलेटेड होती हुई देखने को मिल चुकी है। अगर इस कंपनी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये कंपनी बहुत सारे अलग अलग बिजनेस करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। क्या इसको मैं पहली बार कवर कर रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं। आपको 20-30 वीडियोस भी इस चैनल के ऊपर इजीली इस कंपनी से देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो अलग अलग पिलर्स देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग बिजनेसेस से कंपनी के एंड अलग अलग बिजनेस से कंपनी की शानदार कमाई होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड इस वक्त कंपनी ने क्वार्टर फोर से रिलेटेड अपडेट यहाँ पे पेश किया, जहाँ पे कंपनी का हर एक पिलर काफ़ी मजबूत हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार के अपडेट्स उन्होंने रखे हैं उस हिसाब से। सो एक कंपनी कौन सी है जो शेयर मार्केट में बिजनेस को स्टडी करते हैं उनको तो 2 सेकंड में पता चल गया कि मैं कौन सी कंपनी की बात कर रहा हूँ। ऐसी कंपनी जो कि जीवनसाथी.com बिजनेस रन करती है, ऐसी कंपनी जो 99acre.com बिजनेस रन करती है, ऐसी कंपनी जो naukri.com बिजनेस रन करती है, शिक्षा.com बिजनेस रन करती है, या फिर ऐसी कंपनी जिनका स्टेक स्टार्टअप में देखने को मिल जाता है लाइक जोमैटो एज वेल एज पॉलिसी बाजार जैसे कंपनीज में। यस, काफ़ी सारे लोगों को पता चल गया मैं कौन सी कंपनी की बात कर रहा हूँ। एंड यही वो पिलर्स है दोस्तों, अभी जो इससे आपको बताया ना अलग अलग पिलर्स है कि ये कंपनी रियल इस्टेट में है, मैट्रिमनी में भी है, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट में भी है, एजुकेशन में है, स्टार्टअप में भी है और भी अलग अलग इनके बिजनेसेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो बताने का मकसद क्या है, यस यहाँ से इन कंपनीज की हम लोग को कमाई होते हुए देखने को मिल जाती है और जो कंपनी ने अपडेट सामने रखा हुआ है बिलिंग से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड, वो काफ़ी शानदार हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। लाइक 99acres.com की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है ये रियल इस्टेट से रिलेटेड इनका बिजनेस हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड फिलहाल तो निफ्टी रियल्टी आप सभी लोगों को पता है ये क्या परफॉर्मेंस दे रहा है, साल भर में 125% के रिटर्न्स देखने को मिल चुके हैं, ठीक है, एंड 5 साल के हिसाब से 250% के रिटर्न्स है इंडेक्स लेवल पे, ठीक है। एंड इसी से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें जो जो रियल इस्टेट से रिलेटेड काम कर रहे हैं सबकी जो कमाई है, सबके जो अपडेट्स है वो काफ़ी शानदार हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। हालांकि आप सभी लोगों को पता है इसके ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो यहाँ पे बनाया था, कौन सा वाला, कि हाँ कि रियल इस्टेट में इतने सारे शानदार रिटर्न्स को देखकर अभी काफ़ी सारे लोग अभी रियल इस्टेट में निवेश करने का प्लान बना रहे, मन बना रहे, इसीलिए तो HDFC की अगर हम लोग बात करें म्यूचुअल फंड, उन्होंने क्या किया था रियल इस्टेट से रिलेटेड जो उनका इंडेक्स फंड है वो उन्होंने बंद ही कर दिया, ठीक है। शायद से 8 अप्रैल कल से ही कुछ तो, या फिर आज मतलब अभी से आज ही से अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने नया पैसा लेना यहाँ पे बंद किया। क्यों? क्योंकि लोग पुराना डेटा देखते हैं, स्टेज टू जैसे टॉप लेवल पे निवेश करते हैं एंड फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें वापस रिटर्न मिल जाए, तो ये सबसे बड़ा मतलब कह सकते हैं हम लोग एक बेसिक गलती वो यहाँ पे करते रहते हैं। एनीवेज, सो रियल इस्टेट कंपनी ने काफ़ी अच्छे पैसे कमाए एंड इसी चीज़ के चलते 99acres.com ने भी सबसे ज़्यादा इनके जितने भी पिलर्स अभी मैंने आप लोगों को दिखाए उसमें सबसे ज़्यादा अगर कमाई किसी ने की है वो 99acres.com ने यहाँ पे की है। देन अगर हम लोग बात करें जीवनसाथी.com, इतनी सारी शादियाँ होती रहती है तो इस चीज़ के चलते ये भी अच्छी खासी बिजनेस में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। देन अगर हम लोग बात करें इनका इन्वेस्टमेंट जोमैटो में देखने को मिल जाता है, पॉलिसी बाजार में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड ये कंपनीज की अगर हम लोग बात करें जोमैटो आप सभी लोग देख सकते हैं पिछले एक साल में 255% के रिटर्न्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। बॉटम से हम कहें तो काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ऑब्वियसली जो बिजनेस को यहाँ पे समझते हैं उनको यहाँ पे पता चल जाता है कि कब कौन सी कंपनी ने निवेश करना चाहिए, ठीक है। जो बिजनेस या फिर स्टडी के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, जैसे कि आपको पता है एक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को सिखाया ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब हाँ कंपनी एक ऐसा टाइम पे पहुंच जाती है जहाँ पे लॉस एंड प्रॉफिट ऑलमोस्ट सेम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ऑलमोस्ट एकदम, तो वो वाला पॉइंट रहता है वो जोमैटो में हम लोग को 80 रुपये के आसपास देखने को यहाँ पे मिला था, ठीक है। तो जो खुद से पढ़ते हैं उनको समझ में आ जाता है कि कब जाना है कब नहीं आना है, वरना बाकी लोग तो आपको पता है जस्ट कमेंट टाइम पास के लिए करते रहते हैं, वो कभी कमाई कर ही नहीं पाएंगे, उम्र बीतती जाएगी एंड मतलब शेयर मार्केट कभी सीख ही नहीं पाएंगे। सो मार्केट को अगर सीखना है तो ये सारी बोरिंग चीज़ें सीखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है, बिजनेस को
मतलब अच्छी तरीके से जानना पड़ता है और खुद से डिसीजन लेना पड़ता है। मतलब बोलते हैं ना, वो खुद का जिगरा होना चाहिए। लोगों को लगता है कि कोई आके आपको बताएगा, रिकमेंडेशन देगा और आप पैसा डालोगे और करोड़पति बनोगे, तो ये थिंकिंग रखने वाले, जैसे मैंने कहा कि उम्र बीतती जाती है, महीने बीतते जाते, साल बीतते जाते, पर कुछ सिग्निफिकेंटली मार्केट में आउटकम निकाल नहीं पाते। बट ऐसे भी बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो मैं देखता हूँ, जो काफ़ी अच्छी तरीके से इन चीज़ों को सीखते हैं और लगातार आगे यहाँ पे बढ़ते रहते हैं। तो यही चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को मिली कि जोमैटो का शेयर यहाँ पे जब नीचे था तो इस कंपनी का हेवी अमाउंट इस कंपनी में इन्वेस्टेड, लगभग 13-14% के आसपास का स्टेक है। तो जोमैटो जब नीचे जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पे इस कंपनी को भी नुकसान यहाँ पे होता है। एंड अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको दिखा दूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पब्लिक सेगमेंट में आपको इस कंपनी का नाम देखने को मिल जाता है। देखिए 13.71% स्टेक है किसका, इन्फो एज का। यस, मैं इन्फो एज कंपनी की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो जब जोमैटो नीचे गया था तो और इनको दिक्कतें यहाँ पे हो रही थी। पीबी फिनटेक की बात करें तो ये भी अभी हम लोग को नीचे से काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, बॉटम से बात करें तो डबल भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड इन दोनों कंपनीज में, जोमैटो की बात करें, पीबी फिनटेक में बात करें, सो इन्फो एज का उसमें अच्छा खासा हम लोग को स्टेक देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो जैसे ही रिकवरी यहाँ पे हुई तो एक और हम लोग को इनके चार्ट पैटर्न में बूस्ट लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन Naukri.com की अगर हम लोग बात करें तो उनका कोर बिजनेस देखने को मिल जाता है। एंड आईटी सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ के और से और भी ज़्यादा हम लोग को अच्छा परफॉर्मेंस होते हुए देखने को मिल सकता है। इसी चीज़ के चलते Naukri.com का और इस्तेमाल यहाँ पे हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट्स यहाँ पे हो सकती है, तो इनकी भी अच्छी खासी कमाई हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो इंडिया लेवल की अगर मैं बात करूँ, हमारे देश की अगर मैं बात करूँ, तो Naukri.com का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा खासा देखने को यहाँ पे मिल जाता है। नो डाउट LinkedIn भी एक अच्छा कॉम्पिटिटर देखने को मिल जाता है, बट डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो Naukri.com का जो डोमिनेंस है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। सो अगर हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारा डेटा इन्फो एज, ये जो कंपनी है, उन्होंने यहाँ पे सामने रख दिया कि उनके क्वार्टर फोर के नंबर्स कैसे, उनकी बिलिंग से रिलेटेड जो फिगर्स है वो उन्होंने यहाँ पे सामने रख दिया। और जैसे अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि सबसे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस अगर किसी ने दिखाया, अच्छा टोटल अगर हम लोग बात करें तो 10% की जंप हम लोग को देखने को मिल रही है। लगभग 826 करोड़ का इनकम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है स्टैंड अलोन बेसिस के हिसाब से। हाँ, इतना कमाने के लिए कितना खर्चा करना पड़ा वो तो डेटा बाद में निकल कर आएगा जब पूरे नंबर्स कंपनी के सामने आएंगे, बट इस बिलिंग में 99 acres सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्वार्टरली ग्रोथ दिखा रहा है, समवेयर अराउंड 26.42% की। ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक बहुत ही क्लियर कट है। रियल इस्टेट में इतना ज़बरदस्त बूम देखने को मिल चुका है तो इसका फायदा हर एक रियल इस्टेट स्पेस से जुड़ी हुई जो कंपनियाँ डायरेक्टली इंडायरेक्टली काम कर रही है उनमें हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल ही रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं 99 acres का परफॉर्मेंस सबसे बेटर देखने, और इन सब में हम यहाँ पे कह सकते हैं ब्रोकर की भी एंट्री हो गई। कौन सा, सिटी। सिटी ने पहले यहाँ पे कहा था कि भाई सेल करके चलो, अभी सिटी ने अपना सेल वाला चीज़ें बदल दिया जैसे इनके अपडेट सामने आ गया। अभी उन्होंने बाय करने की सलाह यहाँ पे दी है, ऑब्वियसली मेरी सलाह नहीं है, सिटी की सलाह है। और जो उनका पुराना लक्ष्य था वो भी उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, टारगेट यहाँ पे बढ़ा दिया। ऑब्वियसली कोई किसी के टारगेट बढ़ाने घटाने के चलते आपने यहाँ पे ब्लाइंडली किसी को भी कॉपी करना यहाँ पे नहीं होता है, आपका खुद का दिमाग का इस्तेमाल यहाँ पे करना होता है। पहले ये सेल कह रहे थे, अभी खुद बाय कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली कंपनी के बिजनेस के अपडेट कैसे निकल कर आते हैं, कंपनी बिजनेस कैसे करती है, उस हिसाब से ये सारी चीज़ें हम लोग को मॉडिफाई होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं आज जैसी ये खबर रिपोर्ट सामने आ गई तो स्टॉक लगभग 9.5-10% तक तेज होते हुए देखने को मिल गया। इन्फो एज की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो कंपनी तो वैसे देखेगी तो शानदारी कंपनी है, बट यस काफ़ी ज़्यादा ये स्टॉक हम लोग को ऊपर नीचे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। 5 साल का डेटा अगर देखें 227% के नेट रिटर्न से, एज सिंपल एज दैट। स्टेज वन स्टेज टू जबरदस्त तेजी, फिर उसके बाद टॉप से गिरावट तो होगी होगी, फिर कंसोलिडेशन फेज होगा, फिर वापस रिकवरी, तो यही फेज हम लोग को हमेशा देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो इन्फो एज की अगर हम लोग बात करें, अभी हायर लेवल के रेवेन्यू के और उन लोगों का ज़्यादा फोकस हम लोग को देखने को मिल रहा है, तभी जाके हम कह सकते हैं कि कंपनी का जो पीई है वो हम लोग को नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो, 10,000 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स नजर आ जाते हैं। कर्जे की अगर हम लोग बात करें, 1.25 करोड़ का कर्जा मतलब कुछ भी नहीं, 85 लाख का कर्जा मतलब ऑलमोस्ट नेट डेट फ्री कंपनी, आप ऐसा भी चाहो तो बोल सकते हो। एंड व्हाट अबाउट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो कंपनी के बैलेंस शीट में लगभग 225 करोड़ का कैश भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज में एज सच कोई दिक्कतें होती नहीं है, 80,000 करोड़ का मार्केट कैप भी फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो कैसा है शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो प्रमोटर के पास लगभग 38%, FIS की बात करें तो 30%, DIS की बात करें तो 19% अप्रॉक्सीमेटली बात करो, एंड पब्लिक की बात करें तो 11.25% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। सो PDF की बात करें तो ऑब्वियसली PDF में हम लोग को अच्छा खासा स्टेक देखने को मिल रहा है, लगभग आप यहाँ पे पकड़ सकते हो 7-8 मतलब 70-80% के आसपास PDF की होल्डिंग हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो डेफिनेटली इस अपडेट के चलते यहाँ पे इन्फो एज जैसा स्टॉक हम लोग को काफ़ी अच्छा भागता हुआ देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ तेजी देखकर अगर निवेश करने जाओगे तो बहुत ही गलत फैसला यहाँ पे होता है। अगर आपको कंपनी का बिजनेस अच्छा लगता है तो आप विचार कीजिए,
अगर आपको बिजनेस ही अच्छा नहीं लगता है तो जाने का कोई सेंस बनता है नहीं, ठीक है। खरीदना है, बेचना है, होल्ड करना है, वो आपकी मर्जी। बट मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, जो बिजनेस देखकर जाएगा वही शेयर मार्केट में टिक पाएगा, क्योंकि ये चीज़ किसी से भी छूटने वाली नहीं है। कौन सी? कि भाई स्टॉक कंसोलिडेट करेगा, बिल्कुल रिटर्न नहीं देगा, स्टॉक भागेगा, स्टॉक एक्सट्रीमली भागेगा, स्टॉक गिरेगा और स्टॉक एक्सट्रीमली भी गिरेगा। सो इन सिचुएशन से अगर डील करना है, कंसोलिडेशन फेज, गिरावट, एक्सट्रीम गिरावट, तो इसके लिए वही लोग कर पाते हैं जिनको कंपनी के बिजनेस के बारे में नॉलेज है। वो देखते हैं भाई कंपनी के बिजनेस के ऊपर कोई इंपैक्ट है क्या, कोई बहुत ही खराब चल रहा है क्या। अगर नहीं तो उनको पता है कि भाई ये सिचुएशन में मतलब झेलना ही पड़ेगा, मतलब कोई और ऑप्शन तो यहाँ पे होता ही है नहीं करके, ठीक है। जो इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं देखते हैं, सिर्फ मोटिवेट हो जाते हैं कि प्राइस ऐसा देखकर, तेज़ी देखकर, तो फिर ऑब्वियसली वो गिरावट में क्या ही मतलब होल्ड कर पाएंगे। सो ये चीज़ें हम लोग को बार बार यहाँ पे मतलब हाईलाइट मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि हम लोग को यही चीज़ें यहाँ पे सीखनी है। स्टॉक तो बार बार आप लोगों को इस प्रकार से ऐसे प्लस माइनस करते करते ही लेफ्ट टू राइट ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा। मैं अच्छे कंपनीज की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। भाई स्टॉक कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की काम करता हूँ। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।